नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24 न्यूज़। दोस्तों, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं एक लड़के की, लड़के का नाम है गौरव, रहने वाला यूपी का है, लेकिन लगभग 3 साल हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें, बहन लगातार 3 सालों से अपने भाई को ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन भाई की कोई जानकारी नहीं लग पा रही। और आप देख पा रहे हैं इस समय इनकी जो बहन है आईबीएन 24 के ऑफिस अपने भाई की तस्वीर लेकर पहुंची हुई है, इसी उम्मीद से कि आज भी शायद इसका भाई जो है इनका वो कहीं ना कहीं लापता है, तो वो मिल जाए। ना जाने वो कहाँ है और यहाँ पर कैसे वो लापता हो गया, कैसे चला गया, ये पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आप सभी से निवेदन करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और जिस तरीके से ये लापता हुआ है, बात करते हैं, क्या नाम है आपका और कहां से हुआ? मेरा नाम अंजलि है। कहां से हो आप? करनाल से हूं। करनाल से हो? हाँ जी। तो ये भाई कब लापता हो गया था और कैसे हो गया था? ये 3 साल हो गए उसको। 8 मार्च को वहाँ नोएडा में नौकरी करता था, उनने फोन करा था कि मम्मी मैं आ रहा, तो फोन भी करा फिर काट दिया। मम्मी ने मना करी थी, अभी भीड़ का टाइम है, तुम आता तो उन्होंने फोन काट दिया। उस दिन से चला था, उस दिन से उसका कुछ पता नहीं है। मतलब नोएडा से वो चला था? हाँ, नोएडा से चला था गांव के लिए। अच्छा, गांव गांव कौन सा है? गांव कोटा। कोटा कहाँ पड़ता है ये? ये वहाँ पड़ता है जी, अलीगढ़ के पास हाथरस है। अच्छा, यूपी में पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो नोएडा से वो क्या करता था नोएडा में? वो कंपनी में काम करता था, पल्स टॉफी की कंपनी में। अच्छा, टॉफी की कंपनी में काम करता? हाँ, टॉफी की कंपनी में काम करता था। उस दिन भी फोन करा, फिर उस दिन के बाद सर कुछ पता नहीं लगा। तो उम्र कितनी थी भाई की उस समय? 19 साल थी। 19 साल थी? हाँ जी। तो ये जब निकला, इसके पास फोन भी होगा? नहीं जी, फोन नहीं था, मेरे बहन के फोन से फोन कराता, जो मेरा जीजा है ना उनके पास रहता था, उनके फोन से फोन कराता। अच्छा, जो आपके जो जीजा है उनके पास रहता था? उनके पास रहता था। तो उस दिन मतलब ये वहाँ से चला था, ये बात पक्की है कि चला था वहाँ से वो? बस उनने बताया था कि मैं चल दिया, फिर उस दिन के हमें तो पता नहीं सर क्या हुआ। अच्छा, उसके साथ उसके बाद से ये लापता हो गया? उसी के बाद से, रात से, उसी दिन से इसका कुछ पता नहीं है। मतलब गाजियाबाद में, नोएडा में गुमशुदा के पर्चे भी छुपवाए थे, सारा FRI भी करवाई थी, मतलब उस दिन के बाद से इसका कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं लगा। नहीं। तो भाई आपका जैसे लापता हो गया, कोई ऐसी बात तो नहीं किसी से, कोई रंजिश वगैरह हो या ऐसी कोई बात हो? नहीं जी, कुछ नहीं है ऐसी कोई बात नहीं, नहीं थी? ऐसी कोई बात नहीं थी। तो या घर में किसी से कोई बात हो, कोई नाराजगी हुई हो? नहीं सर, कोई बात नहीं थी, बस उसी दिन से उसका कोई पता नहीं है। तो दोस्तों आप तस्वीर ध्यान से देख लीजिए गौरव की। गौरव जब लापता हुआ था उस समय था ये 19 वर्ष का, तो अगर आज की बात करें तो लगभग आप समझ सकते हैं कि ये 22 वर्ष का होगा। और आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, अगर आप गौरव को कहीं भी देखते हैं, क्योंकि बहन को आज भी उम्मीद है कि भाई जो है वो मिल सकता है, तो ऐसे में आप उनकी मदद करें और ध्यान से इस तस्वीर को आप ज़रूर देखें। कहीं पर भी देखें तो आप संपर्क कर सकते हैं, इनका नंबर भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। उससे पहले जानकारी लेते हैं, तो आपने पुलिस में भी आपने दी थी रिपोर्ट इसकी? हाँ जी, सब करा था। पुलिस में रिपोर्ट दी थी? हाँ जी, रिपोर्ट भी दी थी पुलिस में, पर इसका कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं लगा, कुछ नहीं पता लगा इसका। तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से तस्वीर को देखें, शायद गौरव जो है आपके आसपास ही कहीं पर कोई काम करता हो या रहता हो। अब वो कैसे लापता हो गया, हम उम्मीद करते हैं उसके साथ कोई अनहोनी ना हुई हो, क्योंकि यहाँ पर बहन आज भी ये उम्मीद करती है, आईबीएन 24 के ऑफिस पहुँची हुई है अपनी बहन अपने भाई की तस्वीर को लेकर। कोई फ़ोन नंबर बता दीजिए, अगर भाई किसी को भी मिलता है तो आपसे किन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं? अभी बता दीजिए फ़ोन में। तो दोस्तों मैं आपको फ़ोन नंबर एक बार बता देता हूं, क्योंकि वो अपने आप नहीं बता पाएंगे। नंबर है 9027158489 नंबर है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 9027158489 नंबर है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बहन आज भी अपने भाई को ढूंढ रही है, आज भी उम्मीद लगाकर बैठी है कि उनका भाई ज़रूर वापस आएगा। और यहां पर हम आपको आखिरी बार वो तस्वीर दिखा देते हैं, जो है बता दें कि ये गुड़गांव से जो है, ये नोएडा से जो है ये लापता हो गया था 3 साल पहले। एक टॉफ़ी बनाने की कंपनी में यह काम करता था, जिसके बाद इसने ये कहा था कि मैं बहन घर आ रहा हूँ, और घर आने के मतलब घर तो वो पहुँचा नहीं, उसके बाद से वो लापता हो गया। फ़ोन उसके पास कोई था नहीं, तो यहाँ पर वो अपने जीजा के पास जो है वो नोएडा में रहता था, लेकिन 3 सालों से लगातार उन्हें कोई भी सुराग तक नहीं मिला कि भाई तक वो पहुँच सकें। तो यहाँ पर भाई भी अगर कहीं ये बात सुन रहा है, अगर उसे कोई नाराज़गी है तो वो आकर अपनी बहन को मिले। आप देख सकते हैं बहन आज भी उन्हें जो है याद कर रही है, और उम्मीद करते हैं उसके साथ कोई अनहोनी ना हुई हो। लेकिन यहाँ पर आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, लोगों से कहना चाहेंगे कि वीडियो को शेयर करें और भाई को ढूंढने की कोशिश करें। भाई को क्या मतलब ढूंढने की कोशिश कर, लोगों से मेरे भाई की ढूंढने की कोशिश करना, आपसे उम्मीद होगी यही, अगर आ गया तो खुशी से आपको
धन्यवाद देंगे। जी 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 जी। और यहाँ पर फिलहाल आप सभी से निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जाएं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।